हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं कवि राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला के कोइरीपुर ग्राम के एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। यानी कि इनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। कृषक का मतलब किसान होता है। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त त्रिपाठी था। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने केवल 9वीं तक पढ़ाई की। बाद में इन्होंने स्वतंत्र रूप से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला तथा गुजराती का गहन अध्ययन किया। त्रिपाठी जी एक समर्थ कवि और संपादक थे। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रचार मंत्री भी रहे। इन्होंने दक्षिणी राज्यों में हिंदी के प्रचार हेतु सराहनीय कार्य किया। सन 1962 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अब हम पढ़ते हैं साहित्यिक परिचय। त्रिपाठी जी ने हिंदी के प्रचार प्रसार और साहित्य सेवा से प्रेरित होकर हिंदी मंदिर की स्थापना की। इन्होंने राष्ट्रीयता, देश प्रेम, सेवा, त्याग आदि विभिन्न विषयों पर उत्कृष्ट साहित्य की रचना की है। अब हम पढ़ते हैं रचनाएं। खंड काव्य। खंड काव्य हैं इनके पथिक, मिलन और स्वप्न, उपन्यास, वीरांगना, सुभद्रा और लक्ष्मी, नाटक जयंत और प्रेमलोक, कहानी संग्रह, स्वप्नों के चित्र। तो यहाँ पर हमने राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय व रचनाएं पढ़ी हैं। आपको जीवन परिचय कंप्लीट लिखना है। आप रचनाएं 2 या 3 लिख सकते हैं ताकि आपको कंप्लीट नंबर मिले। यहाँ पर हमने बहुत सारी रचनाएं बताई हुई हैं, लेकिन आपको 2 से 3 रचनाएं जरूर लिखनी है और आपको जीवन परिचय कंप्लीट लिखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।